फिलहाल यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा आप लोगों को लगातार रोड शो में दिख रहे होंगे, और उस दौरान किस तरीके से चौक बाजार में जो लोग अपने घरों पर हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये सब अपने तरफ से किस तरीके से फूलों की बरसात कर रहे हैं। चौक बाजार का वो इलाका जहाँ से आलोक शर्मा की जो रोड सभा है, रोड शो, वो निकल रही है और लोग अपने घरों से फूल फेंक रहे हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से फूल फेंक रहे हैं। आपसे बात करते हैं कि फूल फेंक रही हैं आप लगातार, किन के लिए फूल फेंक रही है? घरों से लोग निकले हुए हैं, आपकी लगातार वो तस्वीरें दिखाई है, बिटिया फूल फेंक रही है, किनके लिए? मोदी जी के लिए, पर मोदी सरकार ही आनी चाहिए। तो ये जो युवा पीढ़ी है, आप लोगों तो तस्वीरें देखिए, ये सीधी तस्वीरें द मैट इंडिया पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से आलोक शर्मा आप लोगों को दिख रहे होंगे रोड शो में। और ये चौक बाजार का इलाका बहुत व्यस्ततम इलाका, और इसी बीच आप लोगों को वो तस्वीरें कि किस तरीके से खिड़की से लोग अपने घरों से देख रहे हैं, और वहां से हम वो तस्वीरें द फैक्ट इंडिया पर आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसे फूल से फेंका जा रहा है, उनके ऊपर फूल की बरसात की जा रही है। आलोक शर्मा बिल्कुल अब आप लोगों को कैमरे की तस्वीर में हम उस घर पर दाखिल, ये खिड़की से देख के बिटिया कैसे फेंक रही है। अंकित आप सोच करके दिखाइए कि किस तरीके से लोग घरों से फूल फेंक रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है। तो ये जो लगातार आप लोगों को तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें दिखाने का जो बीड़ा द फैक्ट इंडिया ने उठाया है, वो तस्वीरें आप लोगों को दिख रही होंगी। और अब तक आप लोगों ने चुनावी प्रचार प्रसार की कई अलग अलग तस्वीरें देखी होंगी। कुछ ही घंटों में जो चुनावी प्रचार प्रसार है वो थम जाएगा, और भोपाल की जो लोकसभा सीट है, फिलहाल यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा आप लोगों को लगातार रोड शो में दिख रहे होंगे, और उस दौरान किस तरीके से चौक बाजार में जो लोग अपने घरों पर हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये सब अपने तरफ से किस तरीके से फूलों की बरसात कर रहे हैं, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो ऐसी तस्वीरों के लिए लगातार आप लोग बने रहिए, और कई अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ऐसी तस्वीरों के लिए द फैक्ट इंडिया पर आप सबका विमान और कैमरे के उस पार अंकित। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।